आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि बाजार की तरह मोमोज घर पे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इन सब्जियों को चॉपर की मदद से चॉप कर लेना है। ध्यान रखें, वेज मोमोज में हमेशा बंद गोभी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। नमक डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और छन्नी में डाल के आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट करने देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। चलिए अब मोमोज के लिए डो रेडी कर लेते हैं। मैदे में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मोमोज के लिए एक मीडियम डो लगा लेंगे। क्वांटिटी की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डो को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। मोमोज की स्टफिंग रेडी करने के लिए सब्जियों में से एक्स्ट्रा पानी फिर से निकाल लेंगे। पानी अच्छे से निकल जाए तो इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम किया हुआ रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह बटर को भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, इससे मोमोज बहुत ही जूसी बनते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी बात, मोमोज के लिए पूड़ियाँ जब भी बेलें आपको इसे पेपर की तरह पतले पतले बेलने होंगे। अगर मोमोज की लेयर मोटी हुई तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े थोड़े स्टफिंग डाल के मोमोज को अच्छी तरीके से सील कर लेंगे। आप मोमोज को कोई भी शेप दे सकते हैं। एक आखिरी ज़रूरी बात, मोमोज को स्टीम करने से पहले ऑयल से ब्रश जरूर से करें, इससे मोमोज शाइनी और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से करना।